गायत्री जी, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इन आवाजों से। आप प्लीज कुछ भी कीजिए, इन आवाजों को बंद करवा दीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये प्रॉब्लम कब से हो रहा है? आपको कुछ याद है? जी, वो जब से उसकी मौत हुई है। किसकी मौत? जी, मेरी बीवी सीमा की मौत। जब से उसकी मौत हुई है, ना तो मैं ढंग से सो पा रहा हूं और ना काम पे ध्यान दे पा रहा हूं। जहां भी जाता हूं, जो भी करता हूं, मुझे बस उसकी रोने की आवाजें, उसकी चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। आप ही कुछ बताइए कि मैं क्या करूं जिससे ये आवाजें बंद हो जाए। प्लीज प्लीज हेल्प मी। आर यू श्योर कि आप ये करना चाहते हैं? आई मीन, देखिए, मैंने कभी पहले ऐसी चीज का पता लगाने की कोशिश नहीं की, इसलिए मुझे पता नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। जी, आपको जो करना करिए, आई एम रेडी। एक चीज और, ये मेरी पत्नी सीमा की आखिरी निशानी है। उसने इस कांच के टुकड़े से अपने आप को मारा था। आप इसे यहां क्यों लेकर आए हैं? मुझे लगा इससे आपको शायद कोई मदद मिल जाए, क्योंकि इसमें सीमा का खून लगा हुआ है। ये सामने रखे हुए कार्ड्स में से आप एक कार्ड उठाइए प्लीज। जी। स्ट्रेस, परेशानी, कोई बात है जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है, जो बात आप चाहकर भी अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहे। ऐसी क्या बात है डैनिश? जी, जब से मेरी पत्नी सीमा की मौत हुई है, मैं परेशान रहने लगा हूं। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या सीमा अपनी मौत के बाद ठीक तो है? क्या उसकी आत्मा को शांति मिली है? नहीं, मैं ये सब पता नहीं लगा सकती। हाँ, मैं आपके अंदर की बात जान सकती हूँ, पर आत्मा नहीं धनेश। ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है और ये सब मैं करना नहीं चाहती। गायत्री जी, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखिए, मैं किसी और को नहीं जानता जो मेरी मदद कर सके। आप ही एक हो जो मेरी मदद कर सकती है। प्लीज मुझे मना मत कीजिए। अच्छा ठीक है, आप एक और कार्ड निकालिए। जी। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ गायत्री जी? ये कार्ड तो मेरे सेट का हिस्सा है ही नहीं। देखिए दानिश, ये मैं नहीं कर सकती। हाँ, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। लीव नाउ प्लीज। गायत्री जी, प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज एक बार देख लीजिए ना, प्लीज। बैठिए। ठीक है, एक आखिरी बार कार्ड उठाइए। बस, ये मैं नहीं कर सकती, ना आपके लिए ना किसी और के लिए। ये मेरा काम नहीं है दानिश। आप प्लीज प्लीज चले जाइए यहां से। मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूं आपके पास। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हेलो अपर्णा,
मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। तेरा वक्त खत्म हो चुका है, अब इसके बाद तू किसी से बात करने के लिए नहीं बचेगा। ये तो वही आवाज़ है जो अक्सर मुझे सुनाई देती है। क्या? इलेक्शन क्या हो रहा है? माय गॉड, ये क्या हो रहा है? गायत्री जी खुश नहीं है। मैंने कहा था ना तुमसे, ये सब मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना तुमसे। गायत्री जी, क्या हो गया आपको? क्या जानना चाहता है? ऐसा क्या है जिसे नहीं जानता? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे नहीं मिलेगी, अब सिर्फ सजा मिलेगी। सबको मार दूंगी। तुम ठीक हो ना? तुम प्लीज रेस्ट करो। सर में बहुत दर्द हो रहा है। देखो गायत्री, तुम बहुत ज्यादा काम करती हो, थोड़ा रिलैक्स भी किया करो। आई नो, पिछले कुछ दिन से बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, पर्टिकुलरली वो दिन। बस जो हुआ उसे भूल जाओ। देखो दवाइयों का असर अभी भी दिखाई दे रहा है, तुम प्लीज रेस्ट करो। मैं वो चेहरा भूल नहीं पा रही हूँ। It's okay. Give it time. एक मिनट। गायत्री? शायद इसे कुछ फर्क पड़े। मैं इसे दरवाजे के बाहर टांग देती हूँ, इससे इविल स्पिरिट्स
दूर रहेंगे। ठीक, जैसा तुम्हें ठीक लगे। गायत्री, लो मुझे तो मैं लगा देता हूँ। बताए रवि, ये क्रिस्टल माँ ने मुझे दिया और कहा था कि हमेशा अपने साथ रखना, और अगर कोई मुसीबत आ जाए जिसकी कोई हल ना हो तो उसे इस तरह घर के बाहर टांग देना। ये क्रिस्टल में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो कोई भी बुरी नज़र या बुरी एनर्जी को दूर रखते हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से हमारे घर में भी सुकून आ जाए। I hope so. हेलो मैम। हेलो, अरे मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ, तुम? गायत्री, ये माया है, ट्रेन नर्स। नर्स? तुम्हारी देखभाल के लिए और मायरा का ख्याल रखने के लिए मैंने इसे हायर कर ली। शी इज वेरी गुड। मायरा तो काफी घुल मिल गई है इसे। रियली? या। थैंक यू सो मच, बट आई थिंक I can manage now. मतलब नर्स की क्या जरूरत है? मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, रेस्ट करो। माया तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हें हेल्प मिलेगी। सॉरी मैम, मैं आप दोनों के बीच में बोल रही हूँ। एक्चुअली आपको पैनिक अटैक हुआ था, डॉक्टर ने भी कहा है कि आपको एक महीने बेड रेस्ट की जरूरत है, बाकी आप दोनों की मर्जी। गायत्री, माया बिल्कुल ठीक कह रही। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी, ये क्रिस्टल वाली बात भी मानी है, तो तुम्हें ये बात मेरी माननी पड़ेगी, और मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, सो प्लीज। ओके मैम, ये सामान रख के आपके लिए खाना बना देती हूँ, उसके बाद आपको दवाई भी देनी है। माया, थैंक यू वेरी मच, मेरे पीछे तुमने घर का बहुत अच्छा ख्याल रखा और मायरा का भी। मम्मा, मम्मा, ये देखो मैंने नई पेंटिंग्स बनाई, देखो। अरे वाह बेटा, माउंटेन, फिर रिवर। मम्मा ये देखो पेड़ और ये गार्डन, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, मैंने मायरा को टीवी देखने की जगह पेंटिंग्स करने के लिए कहा, हमने साथ में पॉइंट्स भी रीड किए, है ना मायरा? बहुत हाँ। मजा आया। तो बहुत अच्छी बात है। मम्मा फिर उसकी आवाज आ रही है। किसकी आवाज बेटा? उस ब्लैक वाली बिल्डिंग की जो खिड़की के बाहर है ना, वो बहुत रोती है। नहीं बेटा, हम टॉप फ्लोर में रहते हैं ना, यहाँ विंडो के बाहर बिल्ली कैसे आएगी? हमेशा उसकी रोने की आवाज आती है, देखो अभी भी रो रही है। आपको ऐसे ही सुनाई दे रहा है? नहीं मम्मा, सुनो ना कितना लाउडली रो रही है। बेटा आप यही रुको आंटी के साथ, मैं अभी आती हूँ। जी मैम।
गायत्री, गायत्री कुछ नहीं होगा तुम्हें, घबराओ नहीं। गायत्री, गायत्री कुछ नहीं होगा तुम्हें, थोड़ी हिम्मत रखो, आंखें बंद करो अपनी। हाँ मैम, आप गहरी सांस लीजिए, मैं कांच की टुकड़ी निकाल देती हूँ, थोड़ा सा पेन होगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ इधर आ मेरे पास कैटी। कैटी इधर आ मेरे पास। मायरा कैटी, क्या कर रही थी वहाँ तुम, गिर जाती तो? वो कैटी मियाव कर रही थी, इसलिए मैं उसको लेने गई थी। कैटी? हाँ, वो काली वाली बिल्ली, वहाँ बाहर। अच्छा छोड़ो, दोबारा मत चढ़ना। हाँ आओ मेरे साथ। रवि, आज के बाद ना तो तुम ये आत्मा और मौत के आगे की जिंदगी के बारे में कभी सोचोगी, और ना ही कभी उसके पास जाने की कोशिश करोगी। नहीं रवि, सीमा ही थी, बस सीमा हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती, हमने उसका क्या बिगाड़ा है, वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? Stop it, गायत्री, सीमा मर चुकी है और दानिश भी। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। इन सब के बारे में सोचना बंद करो, तुम्हारा वहम अपने आप निकल जाएगा। ये मेरा वहम नहीं है, मेरा वहम नहीं है, ये सीमा ही थी, और किसी मकसद से वापस आई है, लेकिन वो मकसद क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। गायत्री, स्ट्रेस लेना बंद करो, आराम करो, आओ सोचो, प्लीज आओ, आराम से, आराम से। We'll be right back.
गायत्री, गायत्री, गायत्री क्या हुआ? माया, माया, माया हाथ दो मुझे, हाथ दो, डरो डरो नहीं, तुम ठीक तो हो ना? इट्स ओके, इट्स ओके। गायत्री, माया के कमरे की खिड़की खुली थी और वो वहां से यहां तक बाहर ऐसे ही चलकर आई थी। वहां से यहां तक ऐसे? तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम खिड़की से बाहर क्यों गई थी? मैं कमरे में सो रही थी जब मुझे भी वो आवाजें आई। ये तो वही बिल्ली की आवाज है जो मायरा को भी सुनाई देती है। बिल्ली यहां कैसे आई? आजा, आजा, आजा। मुझे कुछ याद नहीं, मैं बाहर कैसे आई? कुछ याद नहीं, इस घर में कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत, बहुत गलत।
माया, माया, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी कि ये सब तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस घर में कुछ है जो ठीक नहीं है, पर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं पता जरूर लगाऊंगी। एनीवे, तुम चलो मेरे साथ। माया, एक कार्ड उठाओ। गिल्ट। सॉरी, गिल्ट। माया, कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें पता है और तुमने किसी को बताया नहीं, या ऐसी कोई चीज जिस पे तुम्हें बहुत पछतावा है? ऐसा क्या हुआ है माया? कोई गलती, कोई गुनाह? गलती, गुनाह? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी तो नहीं है। इट्स ओके, एक और कार्ड उठाओ। देखिए मैडम, मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे इन सब पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। शायद इसीलिए कुछ भी उल्टा सीधा आ रहा है। अब बस कीजिए, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना चाहिए। पहले गुना, फिर गिल्ट। ये माया की कहानी क्या है? माया का फोन। हेलो, अपर्णा, लगता है आपने किसी गलत नंबर पे फोन किया। यहां कोई अपर्णा नहीं है। अपर्णा, अपर्णा, अपर्णा। यस मैम। अपर्णा राइट, ये नाम बदल के हमारे घर में क्यों रह रही और झूठ क्यों कहा हमसे? मैम आप क्या बोल रही है?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सब कुछ समझ गई। ये आईडी कार्ड, इसमें नाम है अपर्णा। अब सच सच बता दो, कहानी क्या है? मैम ठीक है, नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। नहीं मैम, मुझे यहाँ रहने। सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मैम प्लीज, मेरी बात सुनिए। तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। मैम चलो, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैम प्लीज, मैम प्लीज, मैम मेरी बात सुनिए प्लीज। दरवाजा खोलिए मैम प्लीज। सीमा को कैसे जानती हो? कैसे जानती हो तुम सीमा को? क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है वो? क्यों मारना चाहती है तुम्हें? कुछ पूछ रही हूं तुमसे, तुम जानती हो सीमा को? हाँ, जानती थी। सीमा की तबीयत बहुत खराब थी और दानिश को एक नर्स की जरूरत थी। उसने मुझे हायर किया सीमा की देखभाल के लिए। सीमा के दोनों किडनीज फेल हो चुके थे। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि वो ज्यादा दिन बचने वाली नहीं थी। वहां रहते रहते पता नहीं कब कैसे मैं और दानिश एक दूसरे को पसंद करने लगे। अपर्णा, मैं सोच रहा था कि सीमा ज्यादा वक्त तो रहेगी नहीं। क्या तुम सीमा की मौत के बाद मेरे साथ रहने आओगी? क्यों, अकेले रहने में डर लगता है? डर नहीं, लेकिन अब तुमसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन हमारा ये सपना सीमा के मरने के बाद ही पूरा होगा। कोई बात नहीं, जहां इतना इंतजार किया वहां थोड़ा इंतजार और सही। बस कुछ ही दिनों की बात है और फिर उसके बाद हम और तुम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सच? सीमा, सीमा दरवाजा खोलो। सीमा चले जाओ यहां से, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। सीमा ऐसा कुछ नहीं है। सीमा मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। सीमा मुझे अब कुछ नहीं समझना दानिश, चले जाओ यहाँ से। जो देखना था समझना था समझ चुकी हूँ। मैं कैसे इंसान के लिए मौत से
चिल्ला रही थी जो मेरी मौत के लिए इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं दानिश। सीमा, सीमा देखो, कोई बेवकूफी मत करना प्लीज। सीमा, सुनो, दरवाजा तोड़ दो। दानिश ने मुझे आपके बारे में बताया था, कैसे वो आपसे मिलकर सेफ महसूस करता था। दानिश की इस तरह अचानक मौत के बाद मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो आप है, सिर्फ आप। इसलिए तुम बहाना बनाकर मेरे घर में आ गई, अपनी नाम और पहचान बदल कर। मैं Shut up! मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जिंदगी दांव पे है। ये तुमने ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया तुमने। रवि, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मैं माया को घर से निकाल दूंगी ना तो सीमा की आत्मा उसे मार डालेगी। माया सिर्फ और सिर्फ इसी घर में सुरक्षित है, लेकिन अगर माया यहां रहेगी तो हम सब की जान खतरे में। क्या करूं रवि? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है गायत्री? सिर्फ तुम्हारे और मेरे बारे में होता तो शायद हम सोचते भी, लेकिन ये फैसला मायरा के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में। माया की गलती उसकी प्रॉब्लम वो भुगते, हम लोग क्यों भागीदार बने? आई थिंक तुम्हें अभी के अभी माया को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, राइट नाउ। यहां तो कोई नहीं है, फिर ये चीख। मायरा, मैं मायरा को देख के आती हूं। माया, माया, रवि, रवि, मायरा कमरे में नहीं है। माया भी नहीं है? हाँ? माया ने मायरा को रवि रवि वो क्रिस्टल बॉल जो हमने दरवाजे पर लगाए थे वो नहीं है। लगता है सीमा की आत्मा इस घर में घुस चुकी है। ये आवाज तो छत से आ रही है। चल चल चल। सीमा मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो सीमा, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये मासूम है, इसे जाने दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझसे बदला लो, लेकिन इस बच्चे को जाने दो, जाने दो इस बच्चे को। सीमा प्लीज प्लीज। सीमा मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। रवि,
मायरा 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 क्या हुआ बेटा? ओह माय गॉड, मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या बेटा? हाँ बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना बेटा? सीमा मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। सीमा, सीमा छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे सीमा। मैं ये सब नहीं चाहती थी सच में, प्लीज मुझे माफ कर दो। दानिश से तुझे बहुत प्यार था ना, तू उसके साथ रहना चाहती थी ना, एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे ना, अब मैं मिल पाऊंगी तुझे दानिश से, और उसके लिए तुझे मरना होगा, और मैं मारूंगी तुझे। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, पर अब खत्म हो गया, मम्मा कभी तुम्हें कुछ होने नहीं देगी। इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय मोर हॉरर टीवी कॉन्टेंट लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।